जीटी रोड के साथ ही ये डायवो का अड्डा और दूसरे बस स्टैंड है दूसरे शहरों के लिए जाने के लिए। ऑलमोस्ट रोड जो है वो अच्छा है मगर अनइवन है, थोड़ी सी जंपिंग है। ये मौलाना समीउल हक साहब थे, ये उनका मदरसा है अकोड़ा खटक। ये दरियाए काबुल है और देखें ये दो दरिया, जो दरिया काबुल और ये दरिया सिंध जो है यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स ये साफ नजर आ रहा है गुरुद्वारा पंजा साहब हसन बदार, ये इंडिया से यात्री यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आज आपके साथ पिशावर टू इस्लामाबाद बाई जी टी रोड का व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। ये होटल शेल्टन रेजिडोर्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू है जो आप देख रहे हैं। इस होटल में मेरा दो रात के लिए जो है वो क़याम रहा, जिसके साथ मैं आपके साथ पिशावर की फूड स्ट्रीट के दो व्लॉग जो हैं वो शेयर कर चुका हूँ। और इससे पहले मैंने डे लाइट सीरीज़ जो कि कराची से लेके पिशावर तक थी, जिसके 5 पार्ट्स थे, वो आपके साथ मैंने शेयर किए थे। व्यूअर्स यूट्यूब पर ये अपनी नियत की एक डिफरेंट और फर्स्ट टाइम अपलोड होने वाली सीरीज़ थी, जिसमें कराची से पिशावर तक डे लाइट में ट्रैवल किया गया, जिसमें 5 ट्रेनें, 5 डिस्टिनेशन और 5 होटल थे और वहाँ उन शहरों के खाने, जिसमें कराची टू रूड़ी अवाम एक्सप्रेस इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड जो है रूड़ी टू मुल्तान शालीमार एक्सप्रेस, जबकि थर्ड पार्ट मुल्तान टू लाहौर बाय 7UP तेजगाम, फोर पार्ट जाफर एक्सप्रेस था फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी, और इसका लास्ट पार्ट जो था वो रावलपिंडी टू पिशावर बाय रहमान बाबा एक्सप्रेस। नए देखने वाले सब्सक्राइबर इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और सुजेस्ट करें कि आगे हमें और किस तरह की सीरीज़ जो है वो शेयर करनी चाहिए। और आज का ये जीटी रोड का व्लॉग जो है शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। व्यूअर्स लंच या डिनर तो मैंने इस होटल से नहीं किया, वो फूड स्ट्रीट से ही हम करते रहे, मगर इनका दो दफ़ा ब्रेकफास्ट किया जो कि अच्छा था। चेकआउट करने में तकरीबन कोई 15-20 मिनट लग गए और 12:50 पे या मैं काउंटर से फारग हुआ और फिर पिशावर से बाई जीटी रोड जो है इस्लामाबाद के लिए रवानगी शुरू हुई। ये जीटी रोड के साथ ही ये डायवो का अड्डा और दूसरे बस स्टैंड है दूसरे शहरों के लिए जाने के लिए। ये जीटी रोड से हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ से मोटरवे जो है वो लिंक करता है, तो पुल की साइड नीचे से मोटरवे को रास्ता जा रहा है, अगर हम सीधे जाएंगे। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये चार सदा जाता है और मोटरवे को भी जाता है। ठीक है, जीटी रोड पे ये आखिरी स्टॉप है। सरदार गढ़ी के नाम से ये स्टॉप है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये बसें आ जा रही हैं, आगे इनका बस स्टैंड बना हुआ है और यहीं से पहला स्टॉप शुरू होता है इसका। जीटी रोड के ऊपर इस तरह ये छोटे छोटे जो कस्बे हैं वक्फे वक्फे से ये आए हैं रास्ते में। और ये जो है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं ये पब्बी नाम है इसका। कराची 1679 और इस्लामाबाद 139 और नौशहरा 19 किलोमीटर है यहाँ से। ये
सारा जो आप देख रहे हैं ये पब्लिक बाजार है। जीटी रोड और मोटरवे के डिस्टेंस में तो इतना फ़र्क नहीं है, मगर बाई मोटरवे अगर आप पेशावर से रावलपिंडी जाते हैं तो तकरीबन एक घंटा कम लगता है। ऑलमोस्ट रोड जो है वो अच्छा है, मगर अनइवन है, थोड़ी सी जंपिंग है। जीटी रोड जो है अब क्रॉस करेगा रेलवे लाइन को, और रेलवे लाइन जो है वो लेफ्ट से अब हमारे राइट साइड में आ जाएगी। ये देखिए ट्रैक नजर आ रहा है उधर, ये देखें ट्रैक नजर आ रहा है, अभी ऊपर हमारी राइट साइड में आ गए। ये नौशहरा से हम तकरीबन कोई 3 किलोमीटर दूर है। अगर वक्त की कमी हो और पुरसकून सफ़र करना हो तो मोटरवे अच्छा है। यहाँ आपको मोटरवे की निस्बत जो है वो लोकल ट्रैफिक जो है ज़्यादा मिलेगा। ये पॉइंट बना हुआ है देखें, यहाँ से नौशहरा के लिए उमरदान, मालाकंड, मेघोरा, दीर और चित्राल के लिए जैसे उनके किलोमीटर्स भी सारे लिखे हुए हैं, मगर हम दाखिल हो रहे हैं नौशहरा कैंट का इलाका ही। शहरा कैंट के इलाके से गुजर रहे हैं, रेलवे ट्रैक भी बिल्कुल साथ है, आबादी के अंदर है, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर है। जीटी रोड और मोटरवे के डिस्टेंस में तो इतना फ़र्क नहीं है, मगर मोटरवे से तकरीबन एक घंटा कम लगता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप गुजर रहे हो तो जीटी रोड पे टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। शहर में भी धोबी घाट है भाई। सीएमएच है नौशहरा, हम बाहर आ गए हैं। नौशहरा का बाईपास भी बना हुआ है, आप इसे बाईपास भी कर सकते हैं, मगर हम शहर से गुजर के आए हैं। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं अखोड़ा फटक का इलाका है, ट्रैक जो है देखें हमारे साथ है। ये मौलाना समीउल हक साहब थे, ये उनका मदरसा है अकोड़ा खटक। अकोड़ा खटक के बाद से रोड की कोई सूरत हाल जो है वो बेहतर हो गई, अब वो जो जंपिंग हो रही थी वो अब नहीं है यहाँ। देखें यहाँ सोबाबी के लिए और टोपी के लिए रास्ता निकल रहा है, और ये जहांगीरा यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ये जहांगीरा की हदूद जो है वो खत्म हो चुकी है।
रहमान बाबा एक्सप्रेस जब यहाँ टनल से गुजर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये लोकेशन मैं इंशाल्लाह बाय रोड आपको दिखाऊंगा। ये वो पॉइंट है जहाँ आप देखेंगे कि दरियाए काबुल और दरियाए सिंध जो हैं वो आपस में मिलते हैं। ये दरियाए काबुल है, और यह दरियाए काबुल ही आगे जाके दरियाए सिंध से मिल जाता है। इस पॉइंट से इस्लामाबाद जो है वो 92 किलोमीटर है। ये अटक ब्रिज है, ये पहले हम जहाँ खड़े हुए थे वहां से इस तरफ आए हैं। ये अटक ब्रिज है और देखें ये दो दरिया जो दरिया काबुल और ये दरिया सिंध जो है यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं। ब्रिज के सामने राइट साइड में ये आप देख रहे हैं अटक फोर्ट है जो कि अकबर के जमाने में 1583 में तामीर किया गया था। अटल दरिया के ऊपर है हम लोग जब भी गुजर पार किए। जीटी रोड पर ये पहला टोल प्लाजा आया है, इकबाल शहीद टोल प्लाजा। मोटरवे पे तो अच्छा खासा टोल लेते हैं मगर यहाँ आपको जीटी रोड के ऊपर 30 से 50 रुपए पे करने पड़ते हैं। पेशावर से इस्लामाबाद ट्रैवल के दौरान मैंने आपके साथ रोड के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्रैक जो है वो किस तरह का है। यहाँ आगे राइट साइड में लिंक रोड निकलता है अटक सिटी और तेलागंग के लिए। तेलागंग यहाँ से 139 किलोमीटर है और अटक सिटी 15 किलोमीटर। ये कामरा यहाँ से 5 किलोमीटर है और ये साइड पर आप जो बाउंड्री देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स बेस की है कामरा। कामरा की हदूद जो है वो शुरू हो गई है। अच्छा, रास्ते में मैंने देखा है पेशावर से लेके यहाँ तक आपको CNG पेट्रोल फिलिंग वक्फे वक्फे से मिलते रहेंगे। जो छोटे कस्बे आ रहे हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है खाना खाने के लिए, तो मैकेनिक्स की दुकान भी मैंने काफ़ी देखी हैं, कारों के वर्कशॉप देखे हैं। तो इस ट्रैक पर सफ़र करते हुए किसी तरह की भी कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। कामरा जीटी रोड के साथ ही बाजार एरिया है।
ये ब्रिज से जो हम गुजर रहे हैं, ये गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्लांट है जिसके स्पिलवे से ये पानी आ रहा है। ये फकीराबाद का इलाका है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। आगे तरबेला जाने के लिए भी रास्ता यहीं से निकलेगा। ये साथ आप जो येलो कलर की बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये लारेंसपुर की फैक्ट्री है। जोहर की नमाज का टाइम हो चुका था और ये बुरान स्टेशन आ गया। इसके साथ बहुत अच्छी एक मस्जिद बनी हुई थी जहाँ जोहर की नमाज पढ़ी, और बुरान स्टेशन पे भी एक व्लॉग बनाया मैंने बुरान स्टेशन वर्किंग मेथोडोलॉजी के नाम से, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बुरान स्टेशन जो है ये टोकन सिस्टम के तहत काम करने वाला स्टेशन है जिसमें आप स्टेशन मास्टर और टोकन मैन से मिलेंगे। ये बुरहान इंटरचेंज है, यहाँ से जो मोटरवे है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बुरहान से लेके हसन अब्दाल तक ये रोड की कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये पिशावर जाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज, ये बुरहान इंटरचेंज कहलाता है। ऊपर आप देख रहे हैं ब्रिज, लंच टाइम हो चुका था और यहाँ पे हसन अब्दाल के पास मियाँ जी का बहुत मशहूर होटल है जहाँ पे मियाँ जी की दाल जो है लोग खाने दूर दूर से आते हैं। नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ मियाँ जी का होटल का ये व्लॉग शेयर करूँगा, जो लंच हमने किया, मियाँ जी से मुलाकात भी आपके करवाएंगे। जो लोग ट्रैवल कर रहे हों बाई जीटी रोड वो तो ज़रूर आते हैं यहाँ खाना खाने, इसके अलावा भी लोग जो हैं मियाँ जी के होटल पे खाना खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और ये इनके होटल का फूड मेन्यू है फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। ये गुरुद्वारा है सिखों का गुरुद्वारा है। आपने देखा होगा यात्री जो है वो इंडिया से यहाँ पे आते हैं यात्रा के लिए। तो ये हसन अब्दाल, और इसकी देखें ये हाइट, हाँ ये देखें व्यूअर्स, ये साफ नजर आ रहा है गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल। ये इंडिया से यात्री यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए। यहाँ पे भी सिख हैं जाहिर, वो भी आते होंगे। ये वॉक एंट्री से गुजर रहे हम लोग, ये मार्केट है वॉक एंट्री। टेक्सला म्यूजियम यहाँ से 7.8 किलोमीटर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद से तकरीबन 17 किलोमीटर पहले दूसरा और आखिरी टूल प्लाजा आया।
मेरे चैनल पर व्यूअर्स आप ट्रेन के व्लॉग भी देखते हैं, और एक लेवल क्रॉसिंग पे ट्रेन गुजर रही थी, नेट तो काम नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं चल सका कि कौन सी ट्रेन थी। बहरहाल व्यू मुझे जो है वो अच्छा लग रहा था। लेवल क्रॉसिंग के बाद ये एक पेट्रोल पंप पे अच्छी छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ असर की नमाज़ पढ़ी। डर था कि होटल पहुँचते हुए कहीं नमाज़ कज़ा ना हो जाए। व्यूअर्स, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से तल्लक रखते हों, नमाज जो है वो वक्त पढ़ पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र में सबसे पहला हिसाब जो है वो नमाज का होगा, और जिसकी नमाज सही निकल आई उसके तमाम बाकी मामलात भी सही निकल आएंगे। नगर हाईवे और इस्लामाबाद की हदूदिया से स्टार्ट होगा। व्यूअर, इस तरह तकरीबन शाम 6 बजे जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि हम बुरहान होटल पे भी स्टे किया, मियाँ जी के होटल पे भी हमने खाना खाया, तो काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे। आज का ये ट्रैवलिंग व्लॉग बाई जीटी रोड फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।